हे हेलो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल आईसी मंत्रा पर। चलिए आज आपको कुछ सिखाते हैं भाई, ठीक है ना? ठीक है, तो देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं रेट बेस्ड क्वेश्चन इन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो कि रेट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं इस टाइप के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा और ये टाइप आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो भाई मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में इस तरह से रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मैं देता रहूं और कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहूं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। अभी कुछ दिनों से तबीयत खराब थी तो वीडियो नहीं आ रही थी, साथ में मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए एक बैच लेके आने वाला हूँ। या तो स्टडी ग्लोव्स पर ही बैच आएगा, सर से मेरी बातें चल रही हैं, फाउंडेशन बैच या तो स्टडी ग्लोव्स पे आ जाएगा या फिर मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, बट पढ़ाऊंगा जरूर। इसलिए मैं तब तक आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देता रहूंगा, आधे घंटे की, एक घंटे की, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा उतने टाइम की मैं आपको क्लासेस देता रहूंगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि रेट पर बेस्ड क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आती है। देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोला इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बताओ क्या होगा, राइट? देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। यहां लिखना है आपको पीए। पीए को हिंदी में मतलब इंग्लिश में हो गया प्रिंसिपल और हिंदी में हम बोलते हैं मूलधन। और यहां आपको लिखना है अमाउंट, हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मान लीजिए कि हम लोगों ने 1 रुपया उधार लिया। ठीक है, उधार ली हुई राशि को हम मूलधन बोलते हैं, है ना? मान लेते हैं हम लोगों ने 1 रुपया उधार लिया जो कि 3 साल के बाद, जो कि 3 साल के बाद 8 गुना हो गया। कितना गुना हुआ? 8 गुना। तो 1 रुपया जो था वो कितना हो गया? 8 गुना हो गया, ऐसा हमने यहां पर लिखा जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला भाई। अब यहां हमने पहचान दी इनको छतरी, और इस छतरी को हम बोलते हैं रूट, और रूट की जो पावर होगी वो बेस्ड होगी ईयर पर कि कितने साल के बाद ये पैसा 8 गुना हुआ। तो भाई ये क्यूब रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब रूट। रूट की पावर डिपेंड ऑन ईयर, 3 ईयर है तो रूट की पावर कितनी होगी? 3। अब क्यूब रूट में से एक को जब आप बाहर निकालोगे तो 1 आएगा, और क्यूब रूट में से रूट 8 को जब बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, ऐसे ही होगा। तो ये फंडा आ गया 1 ईयर का, 1 साल बाद। ठीक है, ये आया 1 साल बाद का फंडा, 1 साल बाद का फंडा कि 1 साल में, मतलब स्टार्टिंग में हमने 1 रुपया उधार लिया था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने 1 रुपया उधार लिया जो कि 1 साल बाद कितना बन गया? 2 रुपये। तो 1 अगर 2 बन गया तो हमें ब्याज कितने का मिला? 1 रुपये का, ऐसे ही तो बोलेंगे। तो हम बोलेंगे 1 रुपए पर 1 का ब्याज मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो रेट आएगा वो आएगा 100%। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 100%। समझ में आया यार? आई होप समझ में आया होगा। 1 रुपया था जो कि 2 रुपए बने, 1 रुपया था जो कि 2 रुपए बने, तो 1 रुपए का ब्याज था ना, 1 रुपया तो हमारा था। समझ में आया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो ये वीडियोस जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इंपोर्टेंट हैं, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, और अगर मैंने एक टाइप इनमें उठाई है तो वो मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरह आप इस टाइप को कर लोगे। बोल रहा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 2.25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंड एनुअली। सिंपल सा पीए यहां लिख देंगे हम लोग, अमाउंट हम यहां लिख देंगे। हमने माना 1 रुपए, 1 रुपए हमारा कितना बन गया? 2.25 बन गया, है ना? 2.25 बन गया। अब पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा रेशियो होता है ना वो कभी भी फ्रिक्शन की फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता, रेशियो कभी भी फ्रिक्शन की फॉर्म में नहीं होता। तो ये 100 यहां जाकर होगा मल्टीप्लाई। अब 100 जब यहां जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100 और ये रेशियो हो जाएगा 225।
ये रेशियो हो जाएगा 2:5। कितने साल का क्वेश्चन था? 2 साल का क्वेश्चन था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। मेरा पेन चल रहा है भाई, देख लिया करो, ठीक है। जो जो मैं बोलता रहता हूँ उस पर मैं पेन चलाते रहता हूँ ताकि आप चीज़ें समझते रहें, ठीक है। तो 2 साल का क्वेश्चन था, तो रूट की पावर टू। अब भाई इस रूट में से 100 को निकालोगे तो 10 मिलेगा और 225 को निकालोगे तो 15 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 10 रुपये पर कितने का ब्याज? भाई 10 रुपये 15 बना ना, तो 10 जब 15 बन गया तो कितने का ब्याज? 5 रुपये का ब्याज। कितने का ब्याज? 5 रुपये का ब्याज। कितने पर? हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम बोलेंगे 10 पर 5 रुपीज का हमें क्या मिल गया? इंटरेस्ट। मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर व्हाट? 4%। सो 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर क्या जो वैल्यूज हैं वो हमेशा स्क्वायर रूट ही मिलेगा, मतलब स्क्वायर ही मिलेगा या क्यूब ही मिलेगा? तो हाँ, स्क्वायर और क्यूब ही मिलेगा। हाँ, छोटा मोटा खेल तुम्हारे संग खेल सकता है, वो खेल अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। SSC और बैंकिंग का एग्जाम हम दे रहे हैं तो हमसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा कि हमसे वैल्यू ऐसी दे दे जो कि स्क्वायर रूट ही ना हो, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है, स्क्वायर रूट ही मिलेगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आप देखिए एक बार क्या बोल रहा है। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 225 अमाउंट टू 256 इन 2 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन कितना है मेरे भाई? 225 रुपए का मूलधन 2 साल बाद कितना बन जाता है, मतलब अमाउंट कितना बन जाता है? आप बोलोगे 256 बन जाता है सर, है ना, कितना बन जाता है? 256 बन जाता है। कितने साल बाद? बोल दो शेरो, कितने साल बाद? 2 साल बाद। ये देखिए कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो लो भाई, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट की पावर अपने आप में ही 2 होती है, तो यहां आ गया 15 और यहां आ गया 16। तो 15 पर कितने रुपए का ब्याज? 1 रुपए का ब्याज, है ना। 15 पर कितने रुपए का ब्याज? 1 रुपए का। तो हम बोलेंगे 15 पर 1 रुपए का ब्याज गुना में करोगे 100, और ये हमारा कितने के बराबर होता है? 1/15 परसेंटेज में मैंने बताया था कि 16 सही 2/3% 1/15 के बराबर होता है। परसेंटेज अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है तो आपको ये चीज पता होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। और अगर हम इंग्लिश में बोलें तो 6 होल्ड 2/3% 6 होल्ड 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलिए, समझ में आई चीजें? चलिए तो आगे समझ लेते हैं, अरे बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये भी हम एक बार पढ़ते हैं फटाफट। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 512/162 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर। 4 ईयर का क्वेश्चन आया है इस बार, ठीक है। Then find the rate of interest if compounded annually. ठीक है भाई, हमें बोल रहा है कि एक मूलधन था, एक प्रिंसिपल था, हमें नहीं पता कितना था, हमने एक मान लिया, बोला 4 साल के बाद कितना हो गया वो अमाउंट, वो हो गया 152/162। अब हम तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमें पता है कि रेशियो कभी भी फ्रिक्शन की फॉर्म में नहीं होता, तो ये उछलकर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा? 162/512। अब देखो इसकी पावर आएगी 4, ठीक है। अब इसने खेल खेल दिया हमारे साथ, उसने खेल ये खेल दिया कि हमें ये पता है कि 162 किसी की भी पावर 4 करोगे तो 162 नहीं मिलेगा, है ना। अगर मैं किसी भी नंबर की पावर 4 करता हूं ना तो 162 तो मिलना ही नहीं है। हाँ, मुझे इतना पता है कि 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, इतना मुझे पता है। मतलब इस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन करके दे दिया है, जो हमारे फिक्स नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करके दे दिया है 2 से, है ना। अगर ये बात अभी आपको अधूरी समझ में आई है तो पूरी आगे वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 81 और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 256। अब रूट की पावर बोलो कितनी आएगी? 4। रूट की पावर बोलो कितनी आएगी? 4। काहे?
क्योंकि ईयर कितने हैं, 4 साल, ठीक है, क्योंकि ईयर कितने बोले हैं हमें, 4 साल बोले हैं। तो 81 को बाहर निकालोगे तो 3, और 256 को बाहर निकालोगे तो 4, तो हम बोलेंगे भाई तीन रुपये जो था एक साल बाद कितना बन गया, 4। 3 रुपये एक साल बाद 4 बना, 3 रुपये एक साल बाद 4 बना, तो 1 रुपये का ब्याज, बोलो 1 रुपये का ब्याज। तो रेट हम क्या बोलेंगे कि 3 पर 1 रुपये का ब्याज मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आपको पता ही है कितना होता है, 33 सहित 1/3% के बराबर होता है मेरे दोस्तों, जवानों, हीरो, सब कुछ, ठीक है, बोलिए क्लियर है मेरी बात, बाकी क्लियर है या नहीं है बोल दो, क्लियर है ना, चलो क्लियर ही होगा, समझदार हो तुम सब, इतना सबको आपको आता है। अच्छा यार ये आईसी मंत्र वाला बीच में आ रहा है, इस लोगों को अभी हम हटा देते हैं, ठीक है, ताकि ये बीच में आए ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे, भाई ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, है ना, आज मैं पानी लाना भी भूल गया, प्यास लग रही है, पढ़ाते पढ़ाते ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, खुद करोगे, अब आप पे होगा ही नहीं, क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ना ही ये नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, कैसे करोगे सर, कैसे करोगे, आपने बोला था या तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा या परफेक्ट क्यूब आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर ही है, बस किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको उसने दे दिया, ठीक है, बस आपके संग खेल खेल रहा है, और ये खेल कैसे खेलेगा, और इसके खेल को हम कैसे तोड़ेंगे, ये देखो यहां लिखेंगे हम PA, और यहां लिखेंगे हम अमाउंट, कितना है 4704 5766, ठीक है, अब देखो ये किसी ना किसी नंबर से कैंसिल आउट होगा, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 2, देन कितना आएगा 3, देन कितना आएगा 5, देन कितना आएगा 2, और फिर इसको भी 2 से कैंसिल आउट कर लोगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 8, कितना आ गया, फिर दोबारा से 8, फिर कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 784, और 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 9 आ जाएगा, देन कितना आ जाएगा हमारे पास 6, देन कितना आ जाएगा 1। अब मेरे दोस्तों मुझे इतना पता है बहुत अच्छे से कि 28 का जो स्क्वायर होता है ना वो 784 होता है, याद कर लो स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और 31 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 961, और 2 साल का क्वेश्चन है, देख लो विश्वास ना हो तो, ठीक है, 2 ईयर का क्वेश्चन, क्या करोगे, कोई नहीं, रूट चढ़ाएंगे, रूट ये लो जी हमने रूट चढ़ा दिया, ठीक है, अगर हमने रूट चढ़ाया तो रूट से बाहर निकालोगे तो ये आएगा 28, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 31, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल था, जो मूलधन था वो 28 था, एक साल बाद कितना बन गया, एक साल बाद 31 बना, कितने रुपए का ब्याज मिल गया, 3 रुपए का ब्याज मिल गया, तो हम यहां से रेट निकाल के बोलेंगे कि 28 पर 3 रुपए का ब्याज है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे बहुत ज्यादा प्यार से, कैंसिल आउट करेंगे 4 से जाएगा 25 टाइम्स, और 4 से कितनी बार चला जाएगा, ये 7 टाइम्स, राइट, ये चला गया 7 टाइम्स, तो ये आ गया हमारे पास 75/7, तो 10 hold 5/7%, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 10 hold 5/7%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो इसी चीज को 6 से मल्टीप्लाई की करके दिया होता, इसी चीज को 6 से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ था, तो स्क्वायर और क्यूब होगा, अगर 2 साल है तो श्योर जो नंबर है ना वो स्क्वायर होगा, बट हो सकता है उस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके दे दे, ऐसा वो आपके साथ करेगा एग्जाम में, तो घबराना नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन दिखता है कि सर ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो रेशियो है और रेशियो किसी भी नंबर से कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। चलिए बताइए ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ऐसे आपको, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कितना आने वाला है। बोला इफ सर्टेन सम ऑफ मनी रुपीज 3456 00 अमाउंट 4 9
439400 in 3 years and find the rate of compound interest. कर दें क्या? चलो लो देखिए कर देते हैं. यहां आएगा मेरे बच्चों प्रिंसिपल, और बच्चों यहां लिखेंगे हम अमाउंट. अच्छा प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 345600 और अमाउंट कितना दे रखा है? 439400. तो 00 से ये 00 तो गए है ना, 0 से 0 तो हमने कैंसिल आउट करा. कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए. अब हम इसको किससे कैंसिल आउट करें? देखो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ये, हाँ 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं. देखो इसको, इसको अगर हम लोग 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो भी दिक्कत है. 2 से कैंसिल आउट करें इसको. अगर मैंने इसको 2 से कैंसिल आउट करा तो 1, देन कितना आ गया 7, देन कितना आ गया 2, देन कितना आ गया 8, बन गई बात. ये कितने का स्क्वायर है? 12 का, दिख रहा है ना, ये 12 का स्क्वायर है. और ये कितना आएगा? 2197 स्क्वायर बोल रहा हूँ, सॉरी क्यूब है ये, 12 का क्यूब है. ठीक है, ये 12 का क्यूब है. 3 साल का क्वेश्चन है तो क्यूब ही होगा. चलिए तो बना दो बेटा यहाँ पर क्यूब, बना दो बेटा क्यूब, पावर 3 बिकॉज ऑफ ईयर 3. तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 और ये हमारे पास आ जाएगा 13. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 13. तो जो हमारा 12 रुपये थे वो 13 रुपये बन गए. ब्याज कितने का मिलेगा? 1 का. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल के बोलेंगे कि 12 पर हमें 1 रुपये का ब्याज मिला, मल्टीप्लाई बाय कितना? 100. और हमें पता है कि 1/12 जो 1/12 होता है वो होता है 8/1/3% के बराबर. 8/1/3% के बराबर ये होता है. ठीक है, क्लियर है? बोल दो. चलो एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं तुम्हें. ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है. इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. राइट, इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिए. ठीक है, जो जो बच्चा इसका आंसर सही देगा उसे पेड कोर्स में कुछ डिस्काउंट मिलेगा. श्योर, मैं उसको, अगर मैं पेड कोर्स निकालता हूँ तो उसमें डिस्काउंट दूंगा. तो कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि इसका सही आंसर कितना है. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको अभी कराया है. ठीक है, तो इतना आजकल हमने पढ़ा और कुछ ना कुछ मैं आपको भी पढ़ाता रहूँगा. बहुत ही जल्दी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बैच आने वाला है. ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आ जाइए मुखर्जी नगर. ठीक है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो भाई मुखर्जी नगर में मेरे बैच चले हुए हैं, आप मुखर्जी नगर आ सकते हो. ये है मेरा नंबर 8813848586. ठीक है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. और भाई ये तो हमारे सिलेक्शन है, इतने बड़े बड़े बैचेस हमारे चलते हैं, बॉयज स्पेशल गर्ल्स स्पेशल. ठीक है, तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हो. चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, मिलते हैं कल.